दीपिका पांडे जी के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं पूरे झारखंड के एक एक इलाके में जा रहा हूं महागामा वालों, हटिया से लेकर के मांडर से लेकर के पलामो पाकी से लेकर के इरबा काके से लेकर के खिजरी से लेकर के आज महागामा हूं, फिर चरमुंडी जाऊंगा, फिर मांडू जाऊंगा। पूरे स्टेट में जाकर मैंने एक बात महसूस की है कि मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ इंडिया की हवा चल रही है। कोई बोल रहा नहीं है, भाजपा ने बड़ी कोशिशें की, बड़ी साजिशें की इस चुनाव में नफरत की खेती करने की, लेकिन ये झारखंड की सरजमीन है, ये बिरसा मुंडा की सरजमीन है, शेख भिखारी की सरजमीन है, इस सरजमीन पर मोहब्बत आगे बढ़ेगी, नफरत कभी पनप नहीं सकती है। ये समझना होगा, कल जब मैं चुनाव प्रचार के लिए पलामू निकल रहा था तो मीडिया के साथियों ने एयरपोर्ट पे मुझसे कहा कि इमरान साहब आज 7 जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ी है झारखंड में, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा इससे अच्छा सर्वे कुछ हो ही नहीं सकता, ये रेट बता रही है कि भाजपा यहां से चुनाव हारने जा रही है। ये भाजपा का पुराना प्रोपेगेंडा है कि पहले अपने मुख्यमंत्रियों से नेताओं से नफरत के माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब फेल हो जाते हैं तो सरकारी एजेंसियां उतारी जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात के, मैं झारखंड की आवाम को सलाम करता हूं, आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, पिछड़े हो, सबने एक स्वर में ये कहा है कि झारखंड इस बार तैयार है इस बात का बदला लेने के लिए। महागामा वालों याद करो, आपके करोड़पति मुख्यमंत्री को, आदिवासी समाज के बेटे को जिसका नाम हेमंत सोरेन है, भाजपा वाले उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और सरकार ने उस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे डाला, 5 महीने उसे जेल के अंदर रखा। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा हेमंत सोरेन साहब को और झारखंड के आदिवासी समाज को कि आप वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई तानाशाह हमको संचालित नहीं कर सकता है, हम झारखंड की अस्मिता के लिए लड़ेंगे। हेमंत सोरेन झुके नहीं, टूटे नहीं, उन्होंने कहा कि चाहे कितना जेलों के अंदर रखो, हेमंत सोरेन को न तो डराया जा सकता है न छुपाया जा सकता है। और आखिरकार कोर्ट ने जमानत दी और जमानत देते हुए ये कहा कि इनका तो कोई कसूर ही नहीं था, इनपे तो कोई आरोप ही सही से नहीं बनता, लेकिन फिर भी भाजपा ने महीनों जेल में रखा। सोचिए ये भाजपा वाले जब मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो अगर ये सत्ता में आएंगे तो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया, यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जीत का जश्न मना रहा है लेकिन सड़क के किनारे फकीर सो रहा है। देखो पर चादर तान के सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसके पास जाकर के उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। तो उस फकीर की बात सुनना और उस फकीर की बात का जवाब पर आपकी तालियां उठे। उस फकीर ने सिकंदर की तरफ उनींदी आंखों से देखा और देख के कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है लेकिन लात मारना गधे का काम है। ये भाजपा वाले जो नफरत की खेती यहां पर करना चाहते हैं महागामा वालों, उसको कामयाब नहीं होने देना है। वो असम से चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं हिमंत विश्व शर्मा, उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। आपके यहाँ एक नेताजी रहते हैं, आपके सांसद, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है।